एक सवाल पूछता हूं कि संसद में बनाए गए कानून का फैसला क्या आप सड़क पर होगा? अच्छा बात सुनोगे तभी तो बताऊंगा। अरे बात तो सुनोगे तभी तो बताऊंगा, सुन रहा। हाँ जी भाई, सवाल मेरे से पूछ जाए तो मैं ही तो बताऊंगा, रुक तो जा। इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है। देखिए आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं। बोलिए मैडम, आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को रैली निकले? तो ललकारना चाहिए 26 जनवरी को रैली ऐसी निकले आप चाहती हैं? हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम बात कोदी मीडिया में हुए कुछ मजेदार किस्सों की करेंगे। देश में किसान आंदोलन अभी भी जारी है और कब तक चलेगा ये अभी तक साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगर गोदी मीडिया की बात करें तो वह किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताता रहा। कुल मिलाकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन्हें समझा रही है, लेकिन इस सबके बीच कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़का भी रहे हैं। पंजाब के किसानों की आड़ में खालिस्तानी रोटी सेक रहे हैं, खालिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या किसानों के बहाने खालिस्तान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? एक सवाल पूछता हूं कि संसद में बनाए गए कानून का फैसला क्या आप सड़क पर होगा? क्योंकि संसद में पारित कानून के विरोध के नाम पर शाहीन बाग और किसान आंदोलन शुरू हुए। इन दोनों आंदोलनों में धीरे धीरे राष्ट्र विरोधी गुटों की एंट्री होती चली गई। दोनों के पीछे अर्बन नक्सल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी गैंग की भूमिका खुलकर सामने आने लगी। शाहीन बाग आंदोलन के साथ दिल्ली दंगों का काला अध्याय चस्पा हो गया। इस वजह से किसानों में मीडिया को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला। जब भी कोई रिपोर्टर उनके पास जाता तो उसे किसानों द्वारा भगा दिया जाता। हाल ही में एक रिपोर्टर से किसानों ने बात करने से मना कर दिया और उसे भगा दिया। गोदी मीडिया किसानों की बात उठाने का दिखावा कर रहा है पर किसानों की सुन नहीं रहा। जब भी कोई किसान नेता डिबेट में शामिल होते हैं तो उन्हें बोलने का समय कम दिया जाता है और मीडिया एंकर उसे बार बार टोकता भी है। ऐसा ही कुछ अर्नब की डिबेट में पिछले दिनों देखने को मिला। एक डिबेट में अर्नब ने किसान आगू राकेश टिकैत से सवाल किए। जब वे बोलने लगे तो अर्नब फिर सवाल करने लगे, जिस पर राकेश टिकैत ने अर्नब को करारा जवाब दिया। पूछता है भारत, बताइए राकेश टिकैत जी, देखिए नरेंद्र मोदी से मैं बता रहा हूँ, सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग। तो नहीं, मुझे बताइए किसान नेता, कनाडा का नेता इधर कैसे आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ सुन तो बताइए मुझे वह। हाँ जी अच्छा सुन राकेश जी, बताऊंगा तो बीमारी है वो, मैं बोल लूं पहले, अब सुन लो बात। देखो देश के प्रधानमंत्री को बीमारी किसको? मैं बीमारी नहीं टिकैत जी, आदत आदत नहीं नहीं एक राकेश जी जरा सुन तो लीजिए ना। अरे बीमारी है, आदत थोड़ा होता है, अब बीमारी एक मिनट सुन चुको। ये कनाडा का मंत्री क्या कर रहा था इधर, बताइए मुझे। अच्छा बात सुनोगे तभी तो बताऊंगा। कनाडा का मंत्री कैसे घुस गया? अरे बात तो सुनोगे तभी तो बताऊंगा, सुन रहा। हाँ जी भाई, सवाल मेरे से पूछ जाए तो मैं ही तो बताऊंगा, रुक तो जा। अर्नब को लेकर एक और विवाद सामने आया है। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल पर कथित चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उनके मुताबिक ये चैट अर्नब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी बाग के सीईओ के बीच बातचीत का है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा
ये बाग के सीईओ और अर्णब गोस्वामी के बीच बातचीत के लीक स्क्रीनशॉट्स हैं। इन स्क्रीनशॉट से अर्णब की राजनीतिक गलियारों में पहुंच और तमाम साजिशों का पता लगता है। आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ किसानों का मुद्दा देश में सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुधीर जी एक नई मुहिम के साथ आगे आए हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज करने की मुहिम। काश वे कुछ ऐसे मुहिम किसानों के हित में भी कर लेते। आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन माउंट एवरेस्ट आज भी गुलाम है और आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। और आज से हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम माउंट एवरेस्ट को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। हमने राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है और ये मुहिम हमने माउंट एवरेस्ट पर जाकर ही शुरू की है। वहां से अब हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि मुझे थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही है जितना सियाचिन का होता है। अब एकदम हड्डियों में ठंडी हवा अंदर तक लग रही है। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी लिया था और सुधीर के कुछ सवाल का केपी शर्मा ओली ने करारा जवाब दिया, जो शायद सुधीर को उम्मीद भी नहीं होगी। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं, अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं मगर राष्ट्र के रूप में। तो आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सुवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। हमारे देश में गोदी मीडिया की डिबेट में अक्सर एंकर को डांट दिया जाता है, कभी विपक्ष के द्वारा तो कभी भाजपा नेता के द्वारा। न्यूज 18 पर एक डिबेट हुई जिसमें एंकर अमीश देवगन ने कांग्रेस नेता से सवाल किए। जब वे जवाब दे रही थी तो अमीश ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और बात को अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अमीश किसानों की बात को अमेरिका की घटना से जोड़ने लगे। जी सुप्रिया जी, क्या आप चाहते हैं कि 26 जनवरी को देश का दिन, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकले, एक एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें भारत की छवि ऐसी जाए? आप चाहती हैं ऐसा कि ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी को? अमीश जी, मुझे 10 सेकंड। राजपथ पे एक सेकंड समय मत रुक जाइए। जेंट्स के चौथे सामने बोला है, मुझे बोला है, मुझे 20 सेकंड दीजिए। डॉक्टर पाता, होल्ड ऑन। बोलिए मैडम, आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को रैली निकले? चौथे स्तंभ को तो ललकारना चाहिए। 26 जनवरी को रैली ऐसी निकले आप चाहती हैं? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान सुप्रीम है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं उन लोगों को उस दिन विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर वो आत्ममंथन की बात करते हैं तो मुझे कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस, बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कैपिटल हिल रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि मीडिया एंकर खबर में कुछ भी बोल देते हैं, शायद उन्हें लगता होगा कि कोई उन्हें सुन नहीं रहा। ऐसा कुछ दीपक चौरसिया ने पिछले दिनों किया। हमारा भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन दीपक चौरसिया ने इसे सबसे पुराना लोकतंत्र बता दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास से हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। ऐसी एक गलती अर्णब से भी हुई। अर्णब को बोलना था स्वामीनाथन और वे बोल गए स्वाभिमान आयोग। आप खुद ही सुनिए। स्वाभिमान आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, किसानों के लिए नया कानून लेकर आए। गोदी मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, लेकिन हम आप तक सही जानकारी और जनता के मुद्दों से जुड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे और गोदी मीडिया की आलोचना भी करते रहेंगे ताकि वे सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करने शुरू करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।